दोस्तों YouTube पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या होता है? जब आप लोग अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करते हो तो आपका वीडियो वायरल नहीं होता है, लेकिन जब मैं अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड करता हूं तो मेरा वीडियो वायरल हो जाता है। क्यों वायरल हो जाता है? क्योंकि मैं अपने चैनल पर सही तरीके से वीडियो को अपलोड करता हूं। तो दोस्तों यहां पर आप मेरे चैनल को देख सकते हैं, जब मैं अपने चैनल पर सही तरीके से वीडियो को अपलोड करता हूं तो मेरे वीडियो पर आप देख सकते हैं इस वाली वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज मिल चुका है और इस वाली वीडियो पर 8 लाख से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुका है। और साथ ही आप इस वाली वीडियो पर आप देख सकते हैं कि इस वाली वीडियो पर मुझे 3,40,000 से भी ज़्यादा व्यूज मिल चुका है। अगर आप भी अपने चैनल पर सही तरीके से वीडियो को अपलोड करना सीख जाते हो तो आपकी भी वीडियो पर हजारों लाखों में व्यूज आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको वीडियो अपलोड करने के लिए नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि शॉर्ट्स, ए वीडियो, फुल लाइव और कम्युनिटी पोस्ट। और आपको वीडियो अपलोड करना है तो उसके लिए आपको वीडियो पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी गैलरी के सारे वीडियो ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको जिस वीडियो को अपलोड करना है तो उस वीडियो पर आपको क्लिक कर देना है और फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल बना लेना है, मतलब जिस टॉपिक से रिलेटेड आपकी वीडियो हो आपको उसी टॉपिक से रिलेटेड टाइटल बना लेना है। जैसे कि इस वाली वीडियो पर बताया गया है कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, तो आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो का यही टाइटल रख लेना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। अगर आपको अपनी वीडियो को सर्च पर ले जाना है तो आपको यहाँ पर डैश लगा देना है और फिर आपको इसी टाइटल को फिर से दूसरे हिसाब से रिपीट करना है। और फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं कि YouTube पर सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसी टाइटल को फिर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर देना है। बाकी डिस्क्रिप्शन में और भी कुछ डालना है मगर यहाँ पर आपको नहीं डालना है। अब देखिए यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पब्लिक कर देते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले विजुअलिटी पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको हमेशा अनलिस्टेड पर क्लिक करके वीडियो को अपलोड करना है, ताकि वीडियो के अपलोड हो जाने के बाद आपको इसमें एडिट करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको थंबनेल टैग्स वगैरह लगाने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर हम अनलिस्टेड पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन देखने को मिलता है ऑडियंस का, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर भी बहुत से लोग गलती कर देते हैं जिसके कारण उनकी वीडियो वायरल नहीं होती है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको नीचे नो पर क्लिक कर देना है और फिर इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है अपलोड का, तो यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। बाकी अभी भी आपका पूरा वीडियो सही तरीके से अपलोड नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी इसमें वायरल सेटिंग करना बाकी है। तो आपको वायरल सेटिंग करने के लिए आपको YT स्टूडियो एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको नीचे एक कंटेंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख जाएगा जिस वीडियो को आपने अभी अपलोड किया है। फिर आपको क्या करना है, आपको इसी वीडियो पर क्लिक कर देना है और यहीं से सारा एडिटिंग करेंगे और वीडियो पर वायरल सेटिंग करेंगे। और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपने वीडियो के लिए थंबनेल बना रखा है तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और फिर नीचे कस्टम थंबनेल पर क्लिक करना है और फिर यहाँ से आपको थंबनेल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर डन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपके वीडियो पर थंबनेल लग जाएगा और फिर इसके बाद आपको क्या करना है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन डालना है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में क्या डालना है, तो यहाँ पर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का अगर लिंक डालना चाहते हो तो डाल सकते हो। और इसके बाद आपको नीचे लिखना है योर क्यूरीज। योर क्यूरीज लिखने के बाद आपको क्या करना है, आपको टाइटल से मिलता जुलता कीवर्ड को डाल देना है। तो ये कीवर्ड आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसके लिए आपको यूट्यूब पर चले जाना है और यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का टाइटल सर्च करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो जैसे ही टाइप किया तो आप देख सकते हैं बहुत सारा कीवर्ड आ चुका है और आपको क्या करना है, आपको इन्हीं कीवर्ड को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पर एक एप्लीकेशन आता है, इसका नाम है कॉपी टेस्ट ऑन स्क्रीन, आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एप्लीकेशन से आप चुटकियों में सारे टेक्स्ट को निकाल सकते हो और कॉपी कर सकते हो। कॉपी करने के बाद आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा सकते हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन पर सारा टैग लगा दिया है, तो इससे क्या होगा, आपका वीडियो YouTube सर्च में आने लगेगा। तो यहाँ पर आपको नीचे कुछ हैशटैग को लगा देना है, जैसे हैज सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने 2 से 3 हैशटैग को लगा दिया है। इतना काम करने के बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है मोर ऑप्शन, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का कैटेगरी सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अपनी वीडियो का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, मतलब यहाँ पर आप किस तरह के वीडियो को अपलोड करते हो ताकि उसी प्रकार के ऑडियंस के पास आपकी वीडियो जा सके। अगर आपकी वीडियो कॉमेडी है तो आपको कॉमेडी सिलेक्ट करना है, अगर आपका एजुकेशन है तो आपको एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा कंटेंट क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर क्लिक कर देता हूँ। इतना काम करने के बाद सबसे लास्ट काम बचता है टैक्स लगाना। अब टैक्स कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले टाइटल का टैक्स बनाना है। तो यहाँ पर हम टाइटल के एक कीवर्ड को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसके बाद टैक्स में जाकर इसे पेस्ट कर देते हैं और फिर इसे इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद अभी भी टाइटल में सेकंड कीवर्ड है तो उसे भी आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपने मन से भी टैक्स को लगा सकते हैं या फिर विडाइको एप्लीकेशन से भी टैक्स को लगा सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर हम अपने मन से भी टैक्स को लगा देते हैं, जैसे हाउ टू इंक्रीज सब्सक्राइबर ऑन यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मन से भी टैक्स को लगा सकते हो और फिर इसके बाद आपको थोड़ा बैक आना है और फिर इसके बाद ऊपर सेव पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वीडियो पर सारा सेटिंग कर सकते हो। और जब आपको इसे पब्लिक करना हो तो उसके लिए आपको ऊपर पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करो और यहाँ पर आपको अनलिस्टेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे पब्लिक पर क्लिक कर देना है और फिर ऊपर सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और फिर आपका वीडियो लाइव हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने वीडियो को सही तरीके से अपलोड कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।